हेलो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है क्या मतलब क्या है सर इस टॉपिक का पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है पासिंग ऑफ ओनरशिप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे माना जाएगा कि ओनरशिप जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी है कब तक उसकी ओनरशिप सेलर के पास थी और कब उसकी ओनरशिप बायर के पास चली गई क्यों जरूरी है सर ऐसा ये समझना क्यों जरूरी है कि बायर पे कब है ओनरशिप और सेलर पे कब है देखिए हमने एक बड़ी फंडामेंटल लाइन आज तक सुनी है रिस्क रिस्क ओनरशिप उसका होता है जिसकी ओनरशिप होती है तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट इज ऑफ यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो कि ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास पास हुई क्योंकि अकॉर्डिंगली जो रिस्क है वो हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसके पार्ट पर है सेलर के पार्ट पर है या बायर के पार्ट पे है तो आइए टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं देखिए सबसे पहले आपके पास है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इसे हमें चार केसेस के अंदर पढ़ना है सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स के केस में या एसर्टेन गुड्स के केस में फिर अन एसर्टेन गुड्स केस में फिर गुड्सल केस में और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू ऑफ डिस्पोजल इस टॉपिक को हम चार ब्रॉड हेडिंग के अंदर पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला केस दैट इज प्रॉपर्टी दैट इज ऑफ स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स पासिसन इंटेंडेड टू पास अब ये एक्जेक्टली exactly है क्या देखिए हमें पता है कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर स्पेसिफाई करता है कि मुझे ये वाले गुड्स चाहिए नो शो उन्हीं को हम गुड्स भी बोल सकते हैं नाउ अब ध्यान से समझिए अगर स्पेसिफिक गुड्स की सिचुएशन है तो देयर कैन बी थ्री केसेस व्हाट कैन बी बीज थ्री केसेस फर्स्ट दे आर ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट दे आर टू बी पुट टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट या दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर द प्राइस नाउ ये तीन सिचुएशंस डिफरेंट हैं क्या बड़े आराम से रिलैक्स हो समझिए कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है फर्स्ट दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट लाइक आप मैं सेलर हूं आप बायर हैं मेरे पास आए आपको कुछ पेन्स चाहिए थे मेरे पास हैं आपने पेन्स को आइडेंटिफाई किया 20 पेन निकाले मैंने आपको दे दिए तो दे आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट यस सो नो सो व्हेन द गुड्स आर ऑलरेडी इन अ डिलीवरेबल स्टेट तो एज सोन एज बायर उन गुड्स को बाय करता है उसी समय जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर समझ में आ गई बात शे स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट मैं सेलर हूं आप बायर हैं आप मेरे पास आए टिम्बर परचेज करने के लिए आपने टिम्बर परचेज कर ली आपने बोला कि इसके पीसेस कर दो छः छः इंच के और आपने स्पेसिफिकेशन बता दी कि इसको इस हिसाब से कट कर दो और इसको पैक कर दो उसके बाद मैं ले जाऊँगा ठीक है नाउ यहाँ पर गुड्स तो स्पेसिफाई हो गए टिम्बर है लेकिन अभी उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना है मुझे कैसे उसको कट करना है और जैसे आपने बताया है उस तरीके से मुझे पैक करना है सो एज एज मैं उसे उसे कट कर 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 दूंगा 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 और और जैसे आपने बताया वैसे पैक कर पैक करके आपको इन्फॉर्म कर आपकी नॉलेज में डाल दूंगा ओनरशिप जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी समझ में आई बात स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट पहले मैं आपको ये दो चीजें पढ़ा देता हूं इसमें देखिए गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेयर देर इज अ एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट ये सब करने की जरूरत नहीं है सीधे यहां से देखिए जो बोल रहा हूं अंडरलाइन करिए प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड इट इज इम मटीरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन ये सब कोई कुछ भी इसके अंदर वो ड्रामा करे पेमेंट हुई नहीं हुई डिलीवरी कब हुई अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं और डिलीवरीबल स्टेट के अंदर हैं तो सिर्फ आपको इतनी याद रखना है कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड जैसे ही कॉन्ट्रेक्ट होगा वैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी सिर्फ इतनी सी बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है एग्जाम्पल एक्स कोज इन टू शॉप एंड अ टेलीविजन एंड आज द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी द शॉपकीपर एग्रीज टू डू इट द टेलीविजन इमीजिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स तो अगर Suppose shopkeeper ने टीवी भिजवाया रास्ते के अंदर उसमें कोई नुकसान हो भी जाता है या किसी भी तरीके का तो वो बायर का रिस्क है क्योंकि टीवी जो है वो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट के अंदर था ठीक है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेन देर इज अंट्रेक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू

ताकि वो गुड्स दोबारा से डिलीवरेबल स्टेट में आ सके द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज़ नोटिस देयर ऑफ जब तक सिर्फ आपने मैं, आपने मुझे टिम्बर का ऑर्डर दिया उसको कट करना है उसे पैक करना है वो मैंने कर दिया लेकिन आपकी नॉलेज में नहीं डाला तो रिस्क आपको ट्रांसफर नहीं होगा इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं आपकी नॉलेज में डाल दूंगा तो एज सुन एज मैं आपकी नॉलेज में डाल दूंगा ओनरशिप आपके पास चली गई ठीक है तो देखिए बायर हैज नोटिस देर ऑफ समझ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं तो होपफुली आपको मैं उम्मीद करता हूं ये दो पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए वेन द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड लिख लीजिए इसके आगे बेशक एज सून एज कॉन्ट्रेक्ट इज मेड और इसमें आप क्या लिखेंगे वेन द कंडीशन इज सो परफॉर्म्ड एंड बायर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट जो भी कंडीशन है वो परफॉर्म कर दी गई एंड बायर को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया ठीक है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेन सेलर हैज टू असरटेन द प्राइस ये क्या है देखिए लेटेस्ट सपोज मुझे अपने ऑफिस में कारपेट बिछवाना था तो मैं गया सेलर के पास कारपेट पसंद किया उसने कहा हंड्रेड स्क्वायर हंड्रेड रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ये जो आपने पसंद किया कारपेट ये बिछाया जाएगा मैंने कहा ठीक है आप मेरे ऑफिस में आ जाइए और पूरे में कारपेट बिछा दीजिए अब वो मेरे ऑफिस आएंगे पूरा का पूरा कारपेट जो है वो बिछा देंगे ये सोनो अब जब वो कारपेट बिछा देंगे उसके बाद ही एग्जैक्टली exactly डिसाइड हो पाएगा कि कितना स्क्वायर फुट लगा क्या प्राइसिंग बनकर उन्होंने एक रेट बता दिया स्क्वायर फुट है अब सपोज वो पचास स्क्वायर फुट के अंदर बिजता है तो सौ इंटू पचास पांच हजार रुपए का बिल आएगा पांच सौ स्क्वायर फुट में बिजता है तो उस हिसाब से बिल आएगा मेरी बात आपको समझ में आ रही है शो तो यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज़ टू डू समथिंग देयर ऑर्डर इन ऑर्डर टू असर प्राइस प्राइस कब डिसाइड हो पाएगा जब वो पूरा का पूरा कारपेट ले डाउन हो जाएगा आप देखिए क्या लिखा हुआ है इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू टू वेट या measure, या मेजर टेस्ट और डू समथिंग एक्ट और थिंग विद रेफरेंस टू द द गुड्स फॉर ऑफ विध द प्राइस द मेन इज द दर्पज कुछ भी अभी ऐसा करना बाकी है जिससे प्राइस डिसाइड हो सके समझ में बात लाइक like, मैं कुरियर सर्विस के पास गया मैंने कहा भैया यहां से मुझे मुंबई का कुरियर भेजना उन्होंने कहा सेवेंटी रुपीज पर के जी जो है वो चार्जेस आएंगे अब तो जब मैं कुरियर का एग्जैक्ट लेके जाऊंगा उसको वेट करेंगे उसके बाद ही मुझे बता पाएंगे कि उसके एग्जैक्ट चार्जेस क्या होंगे उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया समझ में ही बात द प्रॉपटी डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन एंड द बायर हैज़ नोटिस देयर ऑफ अब इस केस में जैसे मैंने कारपेट की लोन को बोला वो मेरे ऑफिस में उन्होंने कारपेट ले डाउन किया और ले डाउन करके जब मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि सर आपका कारपेट बिछ गया आप चेक कर लीजिए उसके बाद जो है ओनरशिप मेरे पे ट्रांसफ़र होगी उससे पहले ओनरशिप मेरे पे ट्रांसफ़र नहीं होगी a sold carpet to the company which were required to be laid the carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be laid तो अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है क्योंकि कारपेट बिछने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी इट वॉज हेल्ड दैट कारपेट वॉज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट एट इट वॉज नॉट लेट विच वॉज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस द प्रॉपर्टी हैड नॉट पास यहां पे रिस्क जो है वो किसका है सेलर का है तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले क्या देखा स्पेसिफिक और एसरटेन गुड्स इसमें तीन केस ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट तो एज सुन एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड

तो उम्मीद करता हूं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है और ये भी बात जो है आपको क्लियर हो गई अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फर्स्ट केस हमारा हो गया नेक्स्ट है पासिंग ऑफ अनएसर गुड्स ठीक है ये केस क्या होता है अगर सपोज मैंने फोन पर मिस्टर ए को बोला कि आ, सर मुझे आप 20 ट्यूबलाइट्स भिजवा दीजिए ठीक है अब मैंने उन्हें फोन पे बोला कि 20 ट्यूबलाइट्स भिजवा दीजिए एक्स वाई जेड कंपनी की और उसका कुछ एक दो स्पेसिफिकेशन और थी वो बता दी तो यहां पर सबसे पहली चीज अभी क्या है अनअसर्टेन गुड्स गुड्स अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं मैंने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया है इस तरह के गुड्स मुझको चाहिए ये yes तो नाउ पॉइंट नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको गुड्स के केस में भी बताया था कि अनसर्टेन गुड्स हैं तो सबसे पहले ये सेलर के पार्ट पे ड्यूटी बनती है कि जिस तरीके से बायर ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है बायर ने जो भी गुड्स डिस्क्राइब किए हैं लाइक मैंने बोला कि मुझे ट्यूबलाइट चाहिए 20 वाट की और कुछ एकaat खास बता दी कि लाइक फ्लोरोसेंट लाइट होनी चाहिए वाइट नहीं होनी चाहिए ठीक है तो सेलर एज़ सून एज़ अपने पास से वो गुड्स निकालकर आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर देगा तो वो बन जाएंगे क्या गुड्स यस yes no. तो पासिंग ऑफ गुड्स कब होगा सबसे पहली चीज कि सेलर को उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एसरटेन गुड्स में मतलब वट एवर द डिस्क्रिप्शन वट एवर द स्पेसिफिकेशन द बायर टू द सेलर सेलर शुड कंसिडर those descriptions and specifications and separate such goods according to the instructions समझ में आगे बात ताकि वो जो गुड्स हैं अन से किस कैटेगरी में आ सके एसरटेन कैटेगरी में आ सके देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले गुड्स मस्ट बी एसरटेन देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन डिलीवरेबल स्टेट और उसके बाद सिर्फ इससे नहीं कि उसने एसरटेन कर दिया काम हो गया अब उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना है डिलीवरेबल स्टेट में लाना इन द सेंस जो भी रिक्वायर्ड पैकिंग है अब सपोज 20 ट्यूबलाइट्स मंगाई हैं तो एक बड़े से कार्टून के अंदर उसे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग के अंदर पैक करना और जैसे ही उसका ट्रांसपोर्ट में डाल दिया जाएगा सो so दैट वो सेलर से बायर के पास पहुंच सके उसी समय माना जाएगा कि उसकी ओनरशिप कंप्लीट हो गई नाउ इशू अराइजेस कि सर ट्रांसपोर्ट में डाला है तो ट्रांसपोर्ट में जैसे ही सेलर ने डाले गुड्स को वैसे ही ओनरशिप बायर की हो गई या जब वो गुड्स बायर के पास पहुँच जाएंगे तो उसके बाद ओनरशिप बायर के पास आई तो यहाँ पर देखिए सेलर पर डिपेंड करता है कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है या नहीं रखा वो बातें हम बाद में करते हैं अभी तक सिर्फ आप इतनी बात समझिए कि अनएसरटेन गुड्स हैं तो सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले उसको एसरटेन गुड्स में कन्वर्ट करें फिर उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाएं और उसको पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन तभी जो है वो ओनरशिप जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू बायर ठीक है देखिए

and are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller iska matlab kya hai sir uh, बी स्लाइट निकाली फ्लोरोसेंट कलर की सेलर ने इन्फॉर्म कर दिया हाँ जी आपकी लाइट अलग कर दी है पैक करके भिजवा दूँ हाँ बायर ने कहा हाँ जी भिजवा दो तो यहाँ पर बोला जाएगा कि गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया फर्स्ट टाइम हुआ क्या कि बायर ने सेलर को फोन करके बोला ये गुड्स चाहिए सेलर ने बोला ठीक है फिर सेलर ने गुड्स निकाल के अलग कर दिए और बाहर को इन्फॉर्म किया कि मैंने गुड्स एप्रोप्रिएट कर दिए हैं क्या उनको भिजवा दूं अभी भिजवा दूं कल भिजवा दूं जैसे भी लाइक दैट तो यहां पर हुआ क्या देखिए बाय सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर समझ में आई बात या हो सकता है देखिए कि बायर जो है वो सीधे सेलर के गोडाउन पे पहुंच गया यस सोन नो और उस केस के अंदर बायर ने गुड्स आइडेंटिफाई किया और सेलर को बताया कि भैया बायर ने सेलर को बोल दिया फ़ोन करके कि मैं आपके गोडाउन पे जा रहा हूँ वहाँ से गुड्स लूँगा तो ठीक है अब बायर पहुँचा वहाँ पर गुड्स को आइडेंटिफाई किया और सेलर को इन्फॉर्म किया कि जी मैं आपसे गोडाउन से ये वाले गुड्स लेकर जा रहा हूँ देखिए बाय बायर विद द असेंट ऑफ द सेलर

मैंने असेंट दे दी बिफोर अप्रोप्रिएशन ठीक है आपने ठीक है, है? वहां पे जाके आपको फोन करूंगा सेलर ने मुझको बोला अरे यार क्या फोन करना है जो चाहिए ले जाना सीधे ठीक है तो यहां पर भी क्या अभी अप्रोप्रिएशन नहीं हुई उससे पहले ही सेलर ने असेंट दे दी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है समझ में जो एसेंट है

तो उसके बाद ही गुड्स सेलर को बायर को देना अदरवाइज अगर पेमेंट ना मिले तो गुड्स वापस ले आना तो यहां पर बोला जाएगा राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने अपने पास रखा है क्या राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने अपने पास रखा है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन दे दी ट्रांसपोर्ट वाले को कैरियर वाले को कि भैया पेमेंट मिले तो ही गुड्स डिलीवर करियो नहीं तो वापस आ जाइयो समझ में ही मैं हाउ अगर कैरियर वाले को उसने बोला कि जाके गुड्स दिया ना ठीक है पेमेंट आपको कोई बात नहीं करनी तो उसने फिर राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रखा समझ में आई बात तो अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है किसने सेलर ने लिख लीजिए इफ द सेलर हैज केप्ट राइट ऑफ डिस्पोजल देन ओनरशिप देन ओनरशिप पासिस वेन गुड्स आर रिसीव्ड बाय द बायर हाउ एवर इफ राइट ऑफ डिस्पोजल हैज नॉट बीन केप्टलर देन ओनरशिप पासिस एज सुन एज गुड्स आर पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आया देखिये विद द पर्सन ऑफ कॉन्टेक्ट द सेलर डिलीवर द गुड टू दायर टू करियर और अदर बेली

लॉ तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यह माना जाएगा कि राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो सेलर ने अपने पास नहीं रखा जो बाय डिफॉल्ट प्रोविजन चलते हैं समझ में बात तो ये थे आपके बेसिकली क्या अन गुड्स की ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी एसरटेन में देख लिया अनएसरटेन में देख लिया अब बाकी के जो दो केसेस हैं दैट इज सेंट्रन अप्रूवल एंड रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे

या बायर ने सेलर की और इट कैन बी आफ्टर और बिफोर दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है ठीक है और डिलीवरी टू द करियर अगर जैसी कैरियर में डिलीवर किया वैसी ओनरशिप बायर की हो जाती है बट अगर राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने अपने पास रखा है तो उस केस के अंदर जब तक गुड्स बायर को रिसीव नहीं हो जाते जब तक उसको डिलीवर नहीं हो जाते तब तक ओनरशिप सेलर की रहेगी बाय डिफॉल्ट क्या चलता है राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर अपने पास नहीं रखता समझ में आया बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू